आप या कोई बच्चा कैसे गेम खेल रहा है वो देखकर मैं बता सकता हूँ कि आगे लाइफ में कैसा करेगा। तो क्या कोई जादू है? नहीं। वो क्या है फैक्टर कि कोई भी गेम जब कोई बच्चा खेल रहा है तो वो आगे लाइफ में क्या करेगा, ये हम असेस कर सकते हैं। आमतौर पर जब भी बच्चा खेल रहा हो वो है कॉम्पिटिटिवनेस, वो जीतना चाहता है यानी उस गेम में, और विदाउट चीटिंग अपनी मेहनत से, शिद्दत से, राइट स्ट्रेटजी अपनाकर, पूरा फोकस अपनाकर। बॉलिंग कर रहा है तो पूरा दम लगा रहा है, बैटिंग कर रहा है तो फोकस रख रहा है, स्विमिंग कर रहा है तो सही ढंग से किक करना है यानी हैंड कैसे ले जाना है, बॉडी को स्ट्रीमलाइन रखना है यानी, बैडमिंटन खेल रहा है तो वो फुटवर्क प्रॉपर है यानी, या टेबल टेनिस खेल रहा है तो उसका रोटेशन प्रॉपर है यानी बॉडी का, ये सब चीज़ों का जो बच्चा ध्यान रख रहा है वो करियर में आगे अच्छा करने की संभावना ज़्यादा है उसकी। क्यों? क्योंकि वो जीतना चाहता है। ये सबसे बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर सक्सेस में, प्रोफेशनल सक्सेस में है, तो वो है कि अंदर से इच्छा होना कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ या मैं जीतना चाहता हूँ। जिस बच्चे में या जिस व्यक्ति में ये इच्छा ही नहीं होगी उसकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद मीडियोकर होगी। सबसे बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर, सबसे बड़ा जो कारक है आप कहाँ पहुँचेंगे ये जानने का, आपकी वो गुण कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आप कितना कुछ परफॉर्म कर सकते हो ये नहीं है। सबसे बड़ा जो कारक है वो आपके सपने और आपकी खुद के प्रति सेल्फ बिलीफ कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ और मुझे अचीव करना चाहिए, मुझे जीतना चाहिए, ये सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर होता है। और इसका कुछ एग्जाम्पल आपको देखना हो तो चेतन भगत हैं, उनके यूट्यूब पर एक बड़ा अच्छा चैनल है, उसमें policybazaar.com के जो ओनर हैं उनका आप इंटरव्यू कभी सुनिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो इंटरव्यू, प्रेरक इंटरव्यू है वो सुनिए। तो उसमें वो IIT हैं, पॉलिसी बाजार के जो फाउंडर हैं, और वो IIT में बहुत ज़्यादा गेम्स खेला करते थे और उन्होंने बोला कि मैं हर गेम में जीतना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चे के साथ भी यदि रेस करता हूँ तो उसमें भी मैं जीतना ही चाहता हूँ। तो ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है ये बहुत सारे हाईली सक्सेसफुल लोगों में देखने मिलती है। शाहरुख खान के इंटरव्यूज़ में भी मैंने ऐसा देखा और सुना समझा, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों में ये जीतने की इच्छा होती है तभी वो जीत पाते हैं। जीतने की इच्छा होने पर हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप जीत पाएंगे, लेकिन यदि इच्छा नहीं है तो डेफिनेटली जीतने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो किसी को भी बच्चे को यदि खेलते देखें या वो आपका बच्चा है और खेल रहा है तो उसमें ये डालिए कि आपको बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है, बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट ताकत, बेस्ट स्टेमिना प्रैक्टिस करनी है अच्छा परफॉर्म करने की, और हार जाओ तो अगली बार जीतने की कोशिश करना है बेहतर परफॉर्मेंस देकर। ये बच्चे में होगी तो ये, क्योंकि सक्सेस जो है ना वो एटीट्यूड है, वो चाहे एक मोहल्ले क्रिकेट में हो या फिर लाइफ में कोई बड़ा बिजनेस खोलने में, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, या UPSC एग्जाम क्रैक करने में हो, या नीट क्रैक करने में हो, या JEE क्रैक करने में, वो सक्सेसफुल। सक्सेस एक्चुअली एक एटीट्यूड है, जीतना एक एटीट्यूड है। इसीलिए होता है कि जो बच्चा एक बार जीत रहा होता है, टॉप कर रहा होता है, वो अगली बार भी टॉप करने की उसकी संभावना कहीं ज़्यादा होती है उन बच्चों की तुलना में जो कि पहले टॉप नहीं किए थे। तो कैपेबिलिटी या आपके भीतर की क्षमता नहीं है इस बात का फैक्टर कि आप कहाँ पहुँचेंगे, बल्कि आपके भीतर का ड्रीम और सेल्फ बिलीफ डिटरमाइन करेगा कि आप कहाँ पहुँचेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ बिलीफ होना। यदि आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है और सपने हैं तो आप आगे परफॉर्म करने की, आगे हाईली सक्सेसफुल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सक्सेस मल्टीफैक्टोरियल चीज़ है और मल्टी डायमेंशनल चीज़ है और मल्टीपल डेफिनेशंस हैं, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल सक्सेस की। प्रोफेशनल सक्सेस पाने की संभावना ज़्यादा होगी यदि आपके भीतर जीतने की इच्छा है और अपने आप पर भरोसा है। तो इसको टटोलिए अपने आप में और अपने बच्चे में। थैंक यू।